सो गाइस, आज हम आ चुके हैं इतने दिनों के बाद, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम रेगुलर हो ही जाएंगे किसी ना किसी दिन। पर आज इस शहर के अंदर बहुत ही कमाल का जो एक्सपेंसिव गोल्ड है वो आया हुआ है, जिसे हम इस गेम के अंदर डायमंड कैसीनो का गोल्ड कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे अभी हम जाने लगे हैं एक इवेंट पे, और ये मेरा बॉडीगार्ड भी है जो बहुत ही ज़्यादा जिम करता है, हर वक्त जिम को ही जुड़ा रहता है। तो अभी हम इसी को लेके जाएंगे बिल्कुल साथ, और जहाँ पर हम जाने वाले हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माफिया के लोग भी आए हुए हैं, तो इसीलिए हम अपने बॉडीगार्ड वगैरह को भी साथ लेके जा रहे हैं। इसे मैंने कहा था कि आगे बैठे और ये बैठ गया, तो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर वो इवेंट हो रहा है, और वहाँ पर मुझे इस बॉडीगार्ड से बहुत ही ज़रूरी काम लेना, तो इसीलिए ही हम इसको अपने साथ लेके जा रहे हैं। और आपको शायद याद होगा गाइस, हमने सारी की सारी अपनी स्पोर्ट्स कार बेच के एक जगह ली थी जो गोल्फ क्लब थी, तो 2 वीक्स के अंदर हमें उधर से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसी वजह से आज अब मतलब कि ना जो इधर का पैसिव बैंक है ना, वहाँ पे डायमंड कैसीनो का गोल्ड आया हुआ है। तो हमने जब जैसे ही माइकल को पता लगा तो हमने उसको चुराने का सोचा, क्योंकि अगर हम उसको चुराएंगे तो हम दोबारा इस शहर के बहुत ही अमीर बन जाएंगे। तो अभी यहाँ से जल्दी से चलते हैं अंदर जहाँ पे इवेंट हो रहा है, और मुझे यहाँ पे थोड़ा पीछे ही रहना पड़ेगा क्योंकि सभी के सभी मुझे यहाँ पे जानते हैं, और इस टाइम माइकल को इस शहर के अंदर आने के लिए मना भी किया गया है। तो यहाँ पे कौन है यार, ये क्या कर रहा है, गाड़ी घुमाई जा रहा गोल गोल, पता नहीं पागल हो गया। तो खैर, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, तो इसको यहाँ से जल्दी से चलते हैं, और ये थोड़ा सा साइड पे ही हम अपनी ये पोर्शे लगा देंगे, तो यहाँ पे इसको पार्क करते हैं, और हमें छुप छुप के जाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं उनके सामने गया ना तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए मुझे थोड़ा पीछे पीछे ही रहना पड़ेगा। और मैं अपने गार्ड को भेजूँगा, अपने ये जो मेरा बॉडी गार्ड है ना, इसको हम भेजेंगे आगे, और हमें यहाँ से एक मशीन को मतलब ख़रीदना है, अगर तो वो हमारे इन पैसों में आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम इनसे चुरा ही लेंगे। अभी मैंने अपने जो बॉडीगार्ड को $3 मिलियन दिए हुए हैं, तो देखना पड़ेगा कि यार ये मशीन इतने में आती भी है कि नहीं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इतने में आएगी। तो गैस, यहाँ पर सभी के सभी माफिया लोग भी आए हुए हैं, तो मैंने ये मेरा गार्ड अभी भी इसी गाड़ी के पास खड़ा हुआ है, तो इसको मैंने कॉल करके कह दिया हुआ है कि यार तुम वहाँ पर जाओ और उनसे डील वगैरह करो, हमें यही वाली मशीन गाइज हमें लेनी है। तो अभी हम अपने गार्ड को यहाँ पे भिजवाते हैं, तो गाइज मैंने अपने गार्ड को यहाँ पे भिजवा ही दिया, तो वो यहाँ पे आता ही होगा। और गाइज आई थिंक आ चुका है वो गार्ड हमारा, वहाँ पे पहुँच गया और उनसे डील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इतने ही पैसों में आएगा, क्योंकि इधर के कई लोग ऐसे हैं जो माइकल को जानते हैं, तो अभी यहाँ पे बड़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो गाइज जैसे मुझे जिस चीज़ का ही डर था वही हुआ, तो उन्होंने मेरे ये सभी के सभी जो बोली लगाने वाले थे ना उनको पीछे भेज दिया, और जो माइकल का बॉडीगार्ड है उसको उन्होंने मतलब पकड़ लिया। आई थिंक जो न्यूज़ वाले हैं ना उन्होंने ये सारा काम ख़राब कर दिया, उन्होंने बताया कि यार ये माइकल का ही बॉडीगार्ड है, तो इसलिए उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो अभी हमें जल्दी से जाना पड़ेगा उसको छुड़ाने के लिए, तो अभी हम यहाँ पे इनको मारना शुरू करेंगे। अब मैं फायरिंग शुरू करता हूँ इनके सीधे होने से पहले, इनको पता भी नहीं लगना चाहिए कि यार कहाँ से गोलियाँ बरस रही हैं, तो मुझे इनको पहले जिन्होंने मेरे बॉडीगार्ड पे एम किया हुआ मैं पहले उन बंदों को मारूंगा ताकि उनको नुकसान ना पहुँचा सकें। तो मैंने इन सबको मारना शुरू कर दिया, और ये लोग भी मुझे मारे हैं, और मुझे अभी इसलिए गोलियां इतनी ज़्यादा नहीं महसूस हो रही क्योंकि हमने एक बहुत ही अच्छा आर्मर पहना है जो हमने आर्मी बेस से चुराया था। तो गाइज मुझे इनको जल्दी से मारना पड़ेगा क्योंकि हेलीकॉप्टर वाले भी यहां पे आ चुके हैं, और इनका एम बिल्कुल मेरे पे ही आ, और गार्ड भी मेरा यहां से निकलने ही वाला होगा, उसको मैंने यहां से मतलब बचा तो लिया, लेकिन वो हिल नहीं रहा, पागल का बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है। तो अभी इन्होंने बिल्कुल ही मेरी कमर का तो सत्यानाश कर ही देंगे ये लोग बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से वो हेलीकॉप्टर वाले भी आ गए, तो गाइज हम इनसे तो लड़ नहीं सकते, इसलिए हमें ये मशीन को लेके उड़ना पड़ेगा। तो गाइज मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको उड़ाने में, लेकिन हम इसको उड़ा ही लेंगे, इसकी स्पीड भी गाइज बहुत ज़्यादा है, और मैंने गार्ड को निकाल के भिजवा दिया था कि वो हमारी पोर्से को लेके यहाँ से निकले जल्दी से, वो निकल ही चुका होगा यहाँ से, और मुझे थोड़ा इसको ध्यान से चलाना पड़ेगा। ये देखो थोड़ा सा यार अनबैलेंस हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको चलाना सीख ही लेंगे। अभी जल्दी से हमें गाइज इसको लेके निकलना पड़ेगा, और पहले मुझे इन पुलिस वालों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा उस पैसिव बैंक जहाँ पर हमें वो चोरी करनी है। और ये चोरी तो गाइज कुछ भी नहीं थी जो हमने अभी इस मशीन को चुराया, लेकिन जो सबसे बड़ी चोरी है वो आज होगी उस पैसिव बैंक के अंदर,
तो अभी जल्दी से चलते हैं उसी पैसिव बैंक की तरफ। और गाइज मैंने जो पुलिस वालों से पीछा तो छुड़वा ही लिया, पुलिस वाले अब मुझे कहीं और ढूंढ रहे होंगे। तो अभी मैं जल्दी से पैसिव बैंक की बिल्डिंग के पास जाके वहाँ पे ही इसको, यार ये क्या हो गया इसको, उसने बाइक वाले को ठोक दिया यार, क्या बात है। और गाइज यहाँ पे देखो यार कितनी ज़्यादा आर्मी और पुलिस वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोल्ड आया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम यहाँ पे अपनी इस मशीन को पार्क करते हैं, यहाँ पे कहीं भी नहीं जाती, कोई भी नहीं लेके जाएगा। तो अभी मुझे गन छोड़ के उनके पास जाना पड़ेगा, ताकि अगर मैं गन लेके गया तो उनको मुझ पर शक हो जाएगा और वो लोग मुझे मारना भी शुरू करेंगे। अभी गन को निकाल के मतलब अंदर रख के ही चलते हैं, और अगर निकालनी पड़ी तो हम उसी टाइम ही निकाल लेंगे गन को। तो मैंने अभी पिस्टल निकाल लिया कि शायद कोई थोड़ा काम आई जाए। तो गाइज इन्होंने, इनको पता लग गया था तो इसलिए मुझे गन निकालनी पड़ी। और ये देखो यार इन्होंने साथ ही फायरिंग शुरू कर ली, मेरी दूसरी वाली जो गन में इतना ज़्यादा एमो नहीं था इसलिए मुझे इस पिस्टल से मारना पड़ा। लेकिन ये इस पिस्टल में इतनी ज़्यादा पावर है कि अगर एक गोली बिल्कुल सही तरह लगेगी ना तो एक बंदे को तो ले ही उड़ेगी। तो अभी मुझे एक एक गोली इनको बिल्कुल सही निशाने पर मारनी है। तो ये देखो इसको तो पता नहीं लगा ये किस तरह यार एम कर। और यहाँ पर भी हेलीकॉप्टर आ चुका है, सबसे गंदी ये वाली बात है कि उसी टाइम ही हेलीकॉप्टर आता है। ये देखो यार अभी भी नहीं मार रहा मुझसे। तो गाइज इनसे लड़ने के बजाय जल्दी से अंदर चलते हैं, अंदर तो नहीं ये लोग आएंगे। और यहाँ पे कितने ज़्यादा ये लोग हैं जो शहरी हैं, यहाँ पे सिटीजन हैं, तो मुझे इनको भी मारना पड़ेगा, ताकि अगर इन्होंने मुझे मेरी शक्ल देख ली तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता लगना चाहिए ये चोरी माइकल ने की है। तो अभी मुझे जाके अंदर से स्टाफ को भी मारना पड़ेगा। तो अभी ये पुलिस वाला को ये मुझे लग रहा है कि अंदर आया, तो गाइज मैंने स्टाफ को भी मार दिया और ये पुलिस वाला अंदर आ गया था तो हमने इसको भी मार दिया। तो अब जल्दी से चलते हैं नीचे बेसमेंट की तरफ, और यहाँ पर हमें उस गोल्ड के पास जाना है, इस तिजोरी के पीछे वो गोल्ड है। तो आज तो मैं अपने वो जो एटॉमिक बॉम्ब थे वो भी नहीं लेके आया हुआ साथ, वो एटॉमिक नहीं थे मतलब हमारे जो छोटे वाले बॉम्ब थे वो भी नहीं लेके आया, इसलिए मुझे इससे तराशना पड़ा। ये मेरे पास एक वेल्डिंग मशीन थी, इससे हमने इसको खोला और गाइज वो पड़ा गोल्ड जिसकी हमें तलाश थी। और गाइज आपको बताऊं कि इस गोल्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है मार्केट में। ये जो डायमंड कैसीनो का गोल्ड होता है ये बिल्कुल प्योर होता है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। तो यहाँ पे मुझे पहले एक बैग की ज़रूरत पड़ेगी, और गाइज मुझे बैग मिल गया था और मैंने ये सभी के सभी गोल्ड डाल लिया अपने बैग में, लेकिन एक क्रिएट नहीं हम डाल सके क्योंकि वो पूरी नहीं आ रही थी। तो अभी यहाँ से बिल्कुल निकलते हैं, यहाँ पे अभी तक अंदर तो कोई पुलिस वाला नहीं आया, लेकिन जो इसके चारों तरफ है ना इस बैंक के, उन्होंने पुलिस वालों ने इसको घेर के रखा होगा। पर कोई नहीं, हम उनसे भी निपट लेंगे। तो अभी जल्दी से चलते हैं और मुझे सीधा अपनी उसी मशीन पे जाना है, क्योंकि वो हवा में उड़ती है और हमें उसे, अरे यार इसने भी माइकल की शक्ल देख ली इसीलिए हमें इसे मारना पड़ा। तो गाइज आज माइकल को ना मास्क लगा के आना पड़ता, मतलब इसको चाहिए था कि आज मास्क लगा के आता ताकि इतने बंदों को ना मार सकता। तो यहाँ से भी जल्दी से निकलते हैं, यहाँ पे रेंजर्स वगैरह भी आ चुके हैं और ऊपर से हेलीकॉप्टर वगैरह भी आ गए हैं। तो गाइज़ मैं अभी आपको इस मशीन में एक और खूबी दिखाऊंगा, जो इसमें एक और मज़े की चीज़, ये देखो यार इसमें मतलब आगे मशीन गन भी लगी हुई है, जो पूरी की पूरी ये जो आर्मी की गाड़ियाँ इनको तबाह कर सकता है। तो अभी मैं ये देखो कितनी ज़्यादा आर्मी की गाड़ियाँ, तो इनको भी तबाह करेंगे हम, और ये जो आगे टैंक है ना इसको भी ये तबाह कर देगी, इतनी इसमें ज़्यादा पावर है। तो अभी मैं इसको नीचे से मारना शुरू करता हूँ। और गाइज ये देखो एक एक करके हमने सभी को तबाह कर दिया, और इन्हीं की वजह से हमारी भी इस मशीन के अंदर थोड़ी सी आग लगी। पर कोई दिक्कत नहीं, अभी हम थोड़ा सा उड़ेंगे तो ये हवा मतलब ये आग खुद ही की खुद ही मतलब निपट जाएगी। तो अभी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और इसको लेके निकलते हैं यहाँ से दूसरी वाली साइड पे। और गाइज इसमें जो पेट्रोल है वो भी ही कुछ अलग किस्म का डलता है, तो इसका पेट्रोल भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से हम इतना दूर जा सकें, लेकिन जितना दूर जा सकेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। तो अभी इसको लेके उड़ते हैं, और हमारे पीछे हेलीकॉप्टर भी लगा है लेकिन वो हमें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इस मशीन की बहुत ही ज़्यादा पावर स्पीड है जो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो अभी इसको यहाँ से बिल्कुल तेज़ लेके चलते हैं, और मैंने अपने बॉडीगार्ड को भी कॉल की थी कि यार वो पोर्ट से लेके आए, लेकिन वो पता नहीं चवलजिया किधर मर गया। तो अभी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, तब तक वो भी आ जाएगा और हमें तब तक हवा में ही उड़ते रहना है जब तक वो नहीं आता। तो मुझे पहले इसको कहीं ना कहीं लैंड भी करवाना पड़ेगा, इसमें पेट्रोल नहीं है, नहीं तो मैं उड़ता ही रहता। ये देखो यार ये पुलिस वाला किस तरह आया,
तो अभी इसको मारते नहीं है, ये हम पे फायरिंग कर रहा है। तो अभी इस मशीन में इतनी पावर, ये देखो यार जिसका डर था वही हुआ, इस मशीन की फुल पावर ही ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ से भी निकलते हैं और ये पुलिस वाले ने हमारी जान नहीं छोड़ी, पहले इसको एक दफ़ा मार ही देते हैं, इसको भी सुकून नहीं है। तो गैस इसको भी हमने अपनी मशीन गन से मार दिया। तो यहाँ से अभी हमें किसी सिविलियन की कार ही लेके निकलनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी हमारा बॉडी गार्ड तो यहाँ पर आया नहीं। तो गैज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आप मुझे कहोगे तो हम इस मशीन को दोबारा उठा लेंगे। तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।